नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं आज जो आपको घटना बताने वाला हूँ ये बिल्कुल सच है और ये मेरे साथ घटित हुई थी। और आज मैं इस चीज़ इसका आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, होता क्या कि मुझे जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझे चैलेंज करता है कि अगर तू इस जंगल में अकेला जाएगा खेतों की रखवाली करने के लिए तो मैं तुझे मान जाऊंगा। तो दोस्तों, अब मैं भी अड़ियल था और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। तो दोस्तों, एक तो मन में डर लग रहा था मगर फिर भी मैंने कह दिया मैं जाऊंगा। और दोस्तों, जब मैं पहले दिन जाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसी घर से मैं रात को 12 बजे निकलता हूँ। मेरे हाथ में टॉर्च होती है, एक कुत्ता होता है साथ में। और पहले तो मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं थोड़ी देर में यहीं छत के ऊपर खड़ा होकर सोचता हूँ मैं जाऊँ या ना जाऊँ, कि मुझे आगे कुछ मिलेगा तो नहीं। तो दोस्तों, होता क्या है, मैं यहाँ से निकलता हूँ और ये जो दोस्तों ये जो सड़क है, ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है। यहाँ पर लोगों को अक्सर काफ़ी घटनाएं होती रहती हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, कभी भूत प्रेत कभी कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर रात को बिल्कुल सन्नाटा होता है और किसी ज़माने में ये बहुत ही ख़तरनाक जगह थी। तो कहते थे कि इस जगह से लोग 7 बजे के बाद यहाँ पर सन्नाटा छा जाता था और लोग डर, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पीपल होते थे। तो कहते हैं कि कोई घर नहीं थे यहाँ पर। अभी तो दोस्तों कुछ घर बन गए हैं मगर फिर भी क्या है कि लोग अपने अपने घरों में रहते हैं और सड़क है, और क्योंकि जो चीज़ें पुरानी यहाँ से गुजरती थी वो आज भी जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं उस जगह की तरफ जहाँ पर हम मेरे साथ ये घटना घटित हुई थी। दोस्तों, होता क्या कि रात को 12 बजे के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ पर कोई घर नहीं था। सामने जो दिखाई दे रहा है आपको माता सीता जी का मंदिर है, वो पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो होता क्या है कि अब ये मैं जैसे यहाँ से गुजरता हूँ, दोस्तों होता क्या कि मुझे कोई चीज़ पीछे से धक्का मारती है और मुझे ये जो नाला है, साथ में आपको मैं अभी नाला भी दिखाऊंगा, तो मुझे उस नाले के अंदर गिरा देती है। और मैं दोस्तों, जब मैं नीचे गिर जाता तो मुझे एक तो मैं डर जाता हूँ और ऊपर से मुझे ये होता है कि देखो कि मैं अच्छा इस रास्ते से जा रहा हूँ और मैं नीचे कैसे गिर गया और इतने नीचे पहुँच गया कि जैसे कम से कम 200-250 फीट गया। तो दोस्तों, ये तो किस्मत अच्छी है मेरी कि मैं जब गिरा तो किसी झाड़ी कोई झाड़ी मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं नीचे ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया और मुझे लगी नहीं। तो मुझे फिर इस चीज़ का और हाँ थल्ले। तो दोस्तों, ये जो नीचे पाइप दिख रही है आपको, इस पाइप के पास पहुंच गया था मैं, कम से कम 200-250 फीट गहरा नाला है। अगर आदमी गिर जाए तो वैसे मर जाए, मगर एक ही झाड़ी है, झाड़ियों के कारण कोई ना कोई झाड़ी हाथ में आ गई तो मैं बच गया। फिर दोस्तों, मैं जैसे ऊपर पहुंचा और ऊपर आकर मैंने फिर सोचा यानी कैसे ये मेरे साथ कैसा होगा, क्योंकि ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि मैं चल रहा था। ये तो ये बात थी कि रात ज़्यादा रात के 12 बजे हुए थे तो इसलिए रात ज़्यादा थी। और फिर पहला दिन था मेरा, फिर मैं दोस्तों यहाँ से निकलता हूँ और धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है काफ़ी छोटा रास्ता है, सिर्फ आप पैर ही रख सकते हैं। अगर आप पैर नहीं रखा गया तो आप नीचे गिर जाओगे नाले में। ये एक सूखा नाला है, पानी नहीं है इसमें। पानी वाले में तो ये तो डर होता है कि आप पानी में बह जाओगे, तो सूखा नाला है तो कि आपको बहने का डर नहीं है, आपको लग सकती है क्योंकि पत्थर होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, कांटे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जाता हूँ मैं और देखो कि आप देख सकते हैं कितना सिर्फ पैर रखने के लिए जगह होती है। तो दोस्तों, ये जो कहानियाँ होती हैं, ये जो सच्ची घटना है, ये हिमाचल के हर गांव की यही कहानी है, मगर ये यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं तो उन लोगों के लिए ये है कि वो कभी अकेले न जाएं कहीं, क्योंकि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, किसी के भी बीच में आ जाते हैं, आपके दोस्त के बीच में भी आ जाते हैं। मगर ये है कि आपको
इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस किससे बात कर रहे हो, कौन है वो, क्योंकि जहाँ पर देवी देवता होते हैं वहाँ पर भूत प्रेत भी होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें किसी किसी को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती हैं। अब दोस्तों हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर मैं, या जहाँ पर कई बार दिन लोगों को, दिन में भी लोगों को भूत मिले हैं, ये जगह यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं, तो दोस्तों कमज़ोर दिल वाले ये वीडियो ना देखें, क्योंकि तो दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर चाचा ने तन बनाया हुआ है, जैसे मैं अभी पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पर वो, ये पहले झाड़ी नहीं थी, थोड़ा साफ किया होता, और यहाँ पर पशु बांधते थे ऊपर वो, और ये जो पेड़ है यहाँ पर तन बनाया हुआ था। तो मैं क्या होता हूँ कि पहले तो मुझे नीचे जाने में डर लगता है कि मैं नीचे जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि नीचे अब कोई भी नहीं रहता है। और फिर मैंने क्या किया कि चाचा के तन के ऊपर बैठ गया। तन एक प्रकार का एक कमरा होता है कि आपको सोने के लिए कमरा, उस पर पानी वगैरह आपके कमरे में नहीं आएगा, ये लकड़ियों का बनाते हैं। तो दोस्तों मैं जैसे बैठता हूँ और मेरी आँख लग जाती है, तो चाचा जो आते हैं हमारे कोई 12:30 बजे आते हैं, और वो जैसे आते हैं वो मुझे देखते हैं और वो डर जाते हैं और वो ज़ोर से चिल्लाते हैं क्या कौन है। तो मैं भी एकदम मैं उठता हूँ, मैंने कहा क्या हो गया, तो मैं देखता हूँ तो चाचा कह रहे अरे तुम, मैंने कहा, और उसके बाद फिर कह रहे तू क्या कर रहा है यहाँ पर, मैंने कहा मैं तो अब नीचे जा रहा था रखवाली के लिए आया हूँ, तो यहाँ बैठ गया था, नींद मुझे नींद पड़ गई, और मैं आपने अब चिल्लाए तो अभी जागा हूँ, तो मैं अभी जाता हूँ। तो मैं दोस्तों फिर डर के मारे मैं थोड़ा, मैंने बताया नहीं मुझे डर लग रहा है, तो मैं नीचे उतर गया। तो दोस्तों यहाँ से जैसे मैं नीचे उतरा, तो नीचे उतरने के बाद क्या होता है कि यहीं से मुझे ना नीचे से आवाज़ आती है कि किसी ने कोई लोहे का बर्तन फेंका जोर से, क्योंकि नीचे नाला है, तो आवाज़ सी आती है, तो मैं थोड़ा डरता हूँ एकदम कि ये आवाज़ कहाँ से आई। और फिर दोस्तों मैं, मुझे तो ये आभास हो गया था कि कोई ना कोई चीज़ है जो मेरा पीछा कर रही है, तो मैं फिर चलता हूँ आगे। मैंने कहा जो भी होगा अब देखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब कोई चीज़ अब कोई इंसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है वहाँ पर, तो आपको डर तो लगेगा ही, साथ में फिर आदमी मन बना लेता है कि या तो आर या पार, कि दोनों में से तो एक चीज़ होनी है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ नीचे पहुँचता हूँ, तो दोस्तों ये जो जगह है यहाँ पर दिन में भी लोग बहुत कम जाते हैं, मैं भी कम जाता हूँ, अकेले नहीं जाते, क्योंकि जब भी अकेले जाते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़, या तो आपको आभास हो जाएगा कोई चीज़, कहीं पत्थर गिरते हैं, कहीं आवाज़ आती है, घुंघरू की आवाज़ आती है। तो दोस्तों मैं अब आपको वो जगह दिखाऊँ जहाँ पर आवाज़ आई थी, यहाँ पर ऐसे लगा था कि किसी ने लोहे का बर्तन जो है फेंक कर मार दिया, ये जो बांस के पेड़ दिख रहे हैं पीछे, अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं जहां पर मैं सोता था। यहां पर मैंने आगे अपना तन बना रखा था, जहां पर मैं रात को रखवाली करता था, ये सारे मक्के के खेत हैं, चाचा का तो तन रह गया ऊपर, अब मैं यहां अकेला ही हूं, यहां पर कोई नहीं रहता, यहाँ पर बाग वगैरह भी होता है तो उससे भी बचना पड़ता है। तो दोस्तों ये पेड़ था जहाँ पर मैंने तन बनाया होता, और इस पेड़ के ऊपर मैं सोने के लिए जगह था, चारपाई लगा रखी थी। और फिर मैंने नीचे पशु बांध रखे थे। तो दोस्तों होता क्या है कि जब मैं रात को जैसे बता रहा था हुआ था, और मैं क्या होता हूँ कि कोई 1 बजे का टाइम हो जाता है और मैं सो जाता हूँ, एकदम क्या होता है कि मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कि जैसे कोई कोई बारात आ रही है, बाजे वगैरह बज रहे हैं, और घंटियाँ चैने, और काफ़ी लोग ऐसे महसूस होते हैं कि काफ़ी लोग जा रहे हैं।
तो मेरी आंख खुली और ऐसे लगे कि ये साथ में ये नाला है तो यहाँ से गुजर रही लोग। तो दोस्तों मैं डर जाता हूँ कि ये क्या हो गया, ये बारात कहाँ से आ गई। दोस्तों मुझे इस चीज़ का आभास था कि जो जंगलों में रात को बारात आती है तो वो भूत प्रेत की बारात होती है। और ये जो भूत प्रेत की बारातें होती हैं ये काफ़ी खतरनाक होती हैं, आपने सुना भी होगा। तो दोस्तों मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि ये था कि मैंने जब नीचे की तरफ देखा ये जो नाला है तो मुझे वहाँ से लाइटें दिखे और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने लोग जा रहे हैं एक साथ। तो फिर दोस्तों मैं तो समझ ही गया, मगर मैंने कहा भाई आज तो नहीं बचा मैं, क्योंकि आज तो एक तो मैं अकेला आया हूँ और ऊपर से ये भूत प्रेत जो हैं ये चारों तरफ घूम रहे हैं। और दोस्तों मैं काफ़ी डर गया। फिर मैंने गायत्री मंत्र का जाप किया। गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद मुझे थोड़ी मन में हिम्मत हुई कि अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, साथ में मेरे साथ डॉगी भी था। और दोस्तों ये नाला है, ये साथ में यहाँ पानी बहता है, तो जहाँ पर या ये जो साथ में नाला है जहाँ से वो बारात जा रही थी ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने जो पिछली कहानी में बताया था किसी एक प्रधान को भूत मिला था, तो यहाँ से कोई 100 मीटर की बात है, इतनी दूर ही, क्योंकि वो प्रधान भी इसी रास्ते से नीचे जाता था पानी लेने के लिए, तो प्रधान को भी यहीं पर इन झाड़ियों में ही वो भूत मिला था दिन में, वो दिन के 12 बजे। दोस्तों मैं जो भी कहानी या घटना बताता हूँ ये सच्ची है, क्योंकि इनमें सच्चाई है, क्योंकि हम लोग तो ये चीज़ें रोज देखते रहते हैं। तो दोस्तों अब मेरे चाचा का यहाँ से जो उनका तन है वो 1 किलोमीटर दूर रह गया और मैं यहाँ पर अकेला सोता हूँ, और यहाँ पर ना कोई आदमी है ना कोई घर है ना कुछ है, अब सब यहाँ से 1-2 किलोमीटर ऊपर है, यहाँ पर किसी का कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर जो भी जैसे हम दिन में भी जाते हैं तो दिन में भी हमें यहाँ पर डर महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हो तो कृपया आप अकेले ना जाएं, और जो लोग ऐसी कहानी से डरते हैं वो ये कहानियाँ ना देखें। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को डराना है, मैं तो एक सच्ची घटना से अवगत करवा रहा हूँ कि ऐसा भी हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हुआ है, तो दोस्तों मैं बताऊं कि मैं भी आपकी तरह ही मानता था कि ये बिल्कुल झूठ होता है, मगर जब मेरे साथ घटित हुआ तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि देखो कि इस संसार में ये चीज़ें भी होती हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को कभी भी आप वो ना करें कि यहाँ पर कुछ नहीं होता मन के अंदर, क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि जब हम जो चीज़ हमारे मन में आ जाती है हमें बहम हो जाता है, तो क्योंकि बहम का दोस्तों कोई इलाज नहीं होता, जब भी आपको बहम हो जाता है तो आप बार बार उस वो चीज़ आपके मन में आती है। यह बच्चों को ना बताएं, क्योंकि बच्चों को नहीं बताओगे तो बच्चे फिर अपना आराम से कहीं भी चले जाते हैं बेफिक्र होकर। जब आपको उस चीज़ का पता चल जाता है तो आप डरते हैं, क्योंकि इंसान इंसान तो डरता है, ये तो है नहीं कि, क्योंकि दोस्तों इंसान से तो हम लड़ सकते हैं मगर भूत प्रेत से नहीं लड़ सकते, ये हवा होती है, ये आपको एक तरफ मारेगी दूसरी तरफ गायब हो जाएगी, आप कभी हवा को पकड़ भी नहीं सकते। तो इसलिए दोस्तों भी कभी भी कहीं जाते हो तो अकेले ना जाएं, और ये हिमाचल के हर गांव की यही कहानी है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो अब अगली घटना के साथ आऊँगा तो मैं दोस्तों भाई अब ऐसे ही शूट करूँगा जहाँ जहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं, मगर ये कि मुझे भी डर लगता है ऐसे, क्योंकि जब वहाँ पर अब आप भूतों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके आसपास ही रहती हैं।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों कभी भी आप कहीं जाते हैं, हमेशा याद ध्यान रखना है कि कहीं एकांत जगह पर आपको डर महसूस हो रहा है तो आप वहाँ पर सिर्फ आपने गायत्री मंत्र का जाप करना है और कुछ नहीं। तो मैं आपको गायत्री मंत्र बता देता हूँ। ओम भू भुव स्व तस्य विदुर्गणेम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। या आप किसी देवी देवता का जो जिसको मानते हैं उसका नाम ले लें तो दोस्तों उससे आपको कुछ ये होता है कि कुछ हद तक ये चीज़ें चली जाती हैं और फिर आप उन चीज़ों से बच जाते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है और भगवान एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा एक्टिव रहती है, तो इसलिए नेगेटिव एनर्जी के तो कुछ नहीं है, क्योंकि आदमी भूत से बहुत मजबूत होता है। और ये भूत एक भूत होता है, क्योंकि इसके अंदर ये सिर्फ हवा है, आदमी पंचभूत है। पंचभूत जो होता है वो कम से कम उसमें पांच चीज़ें होती हैं, अग्नि वायु आकाश ये सब चीज़ें, इसलिए आदमी मजबूत होता है। दोस्तों इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत।